हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम अधिशोषण के अनुप्रयोग देखेंगे कि इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, ये देखेंगे। पहला उपयोग ये है कि इसके द्वारा उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि चारकोल जो होता है या सिलिका जेल जो होता है, उनसे वायु पूरी तरह से हटाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। चारकोल का चूर्णित पाउडर हो या सिलिका जेल हो, जिन भी बॉक्स में या जिन भी पदार्थ में इसको डाला जाता है, वहाँ से ये उच्च निर्वात उत्पन्न करती है, यानी कि वायु को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसका ये आता है कि ये उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए उपयोग आता है। इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि सिलिका जेल एक तो ये होता है और एक है चारकोल, सक्रियित चारकोल। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है कीटाणुओं को मारने में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो अधिशोषण के द्वारा कीटाणुओं को मारने में प्रयोग में ली जाती हैं। तो ये कीटाणुओं को मारने के लिए जो अधिशोषित जो पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं वो होते हैं औषधीय। ये औषधि के रूप में प्रयोग आते हैं, औषधियाँ। थर्ड इसमें आता है गैस मास्क के रूप में। गैस मास्क जो होता है वहाँ उसमें चारकोल और कुछ अन्य अधिशोषक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं उनको अधिशोषित करने के लिए गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोयले की खान वगैरह होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी दूषित गैसें जो हैं वो वातावरण में फैली होती हैं, उसको रोकने के लिए ये गैस मास्क प्रयोग में लिया जाता है। गैस मास्क में भरे जाते हैं चारकोल का चूर्णित पाउडर, चारकोल तथा अन्य अधिशोषक, कुछ और अन्य अधिशोषक भी इसमें घुले हुए रहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले की खानों में सांस लेने के लिए मजदूर किसका प्रयोग करते हैं एवं क्यों। इसका आंसर होगा कोयले की खानों में सांस लेने के लिए मजदूर गैस मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गैस मास्क में चारकोल और कुछ अन्य अधिशोषक होते हैं जो जहरीली वायु को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं और मजदूरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में। अधिशोषण का प्रयोग क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में भी किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी पहचान हम उनके रंगों के आधार पर कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण। इसमें भी अधिशोषक प्रयोग में लिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अक्रिय गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में। अक्रिय गैसें जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी जो है वो अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें कई बार इनका मिक्सचर हो जाता है, मिक्स हो जाती है, तो इन गैसों को अलग करने के लिए नारियल के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन से चारकोल का उपयोग किया जाता है या कौन से अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए नारियल के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग आता है जांतव चारकोल। जांतव चारकोल जो है वो विलयन की रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वो है जांतव चारकोल। नेक्स्ट इसका उपयोग आता है विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब है विषमांगी का मतलब होता है कि जो उत्प्रेरण काम में लिया जाता है उसकी जो अवस्था होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम समझें, NH3 के उत्पादन में फेरस लोहे का उपयोग लिया जाता है। NH3 अमोनिया गैस जो बनाई जाती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनाई जाती है और इससे अमोनिया गैस बनती है। तो हम इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये दोनों ही गैसें हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इससे बनता है NH3 यानी कि अमोनिया। ये तीनों ही गैसें हैं,
चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ये दोनों जो है वो गैसें हैं, लेकिन जो इसमें उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो है फेरस। इसका मतलब ये है यह विस्मांगी उत्प्रेरण के रूप में उपयोग लिया जाता है। यहाँ पर फेरस जो है इन गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित करता है और ये गैसें आपस में क्रिया करती हैं और अमोनिया का निर्माण करती हैं, तो विस्मांगी उत्प्रेरण के रूप में भी अधिशोषण प्रयोग में आता है। एक और एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल जो है वो सूक्ष्म चूर्णित रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका उपयोग जो है वो सूक्ष्म स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब है जो रगड़ को घटाता है, घर्षण को घटाने वाला स्नेहक कहलाता है। तो सूक्ष्म स्नेहक के रूप में इसके एग्जांपल्स में आएगा ग्रेफाइट और टेल्क, जिसको हम टेल्कम पाउडर बोलते हैं। वो ये क्या करते हैं, हम पसीने को सुखाने के लिए टेल्क का यूज़ में लेते हैं, तो ये टेल्क जो होता है वो पसीने को अवशोषित नहीं करता है, वो उसको अधिशोषित करता है, यानी कि केवल इसके बाहरी भाग पर ही जो नमी की बूंद है, जो बाहरी भाग पर ही नमी अधिशोषित होती है, तो टेल्क भी एक तरह का अधिशोषण है। नेक्स्ट इसमें आता है कपड़े को रंगने के लिए भी अधिशोषण की प्रक्रिया का प्रयोग होता है। कपड़े को रंगने के लिए फिटकरी उसमें मिलाया जाता है, फिटकरी जो है उन रंगों को अपने ऊपर अधिशोषित करता है, नहीं तो अगर कपड़े पर डायरेक्ट कलर डाल दिया जाता है तो उसके धब्बे बन जाते हैं, पूरी तरह से कपड़े पर वो रंग नहीं चढ़ता है, तो सबसे पहले फिटकरी पर वो कलर जो है वो अधिशोषित होता है, उसके बाद वो कपड़ों पर चढ़ता है। तो कपड़े को रंगने के उद्योग में भी अधिशोषण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने देखा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ उपयोग हैं अधिशोषण के, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड का पूरा जो भाग है वो आपके कोर्स में है, लेकिन उत्प्रेरक और एंजाइम आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, केवल कोलाइड वाला जो भाग है वो आपके कोर्स में है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।